ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों आज 2 अप्रैल को थिएटर में वाइल्ड डॉग, ये तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई है। इस फिल्म के डायरेक्टर और को राइटर है अशिशुर सोलोमन। आईएमडीबी पर उनका नाम अहिशुर सोलोमन लिखा हुआ है और विकिपीडिया पर अशिशुर लिखा है, तो अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो, उच्चारण किया हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिल्म में मुख्य भूमिका में है नागार्जुन, अक्किनेनी, दिया मिर्ज़ा का बस एक कैमियो ही है। इसके अलावा सय्यमी खेर, अतुल कुलकर्णी, दयानंद रेड्डी, अनीश कुरुविला, अभिजीत दत्त, राहुल सिंह आदि आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है, या नागार्जुन अक्किनेनी जी उनके साथ में सहायक भूमिका में है। तो 2007 से लेकर के 2013 तक जो भारत में सीरियल बम धमाके हुए थे, ये जो पूरा जो समय था, कालखंड था, 2006-07 से लेकर के 2013 तक का ये समय आपको अगर याद होगा तो देखिए, लगभग हर महीने आए दिन कहीं ना कहीं पर पुणे, हैदराबाद वगैरह, देश भर में अलग अलग जगहों पर बम धमाकों की न्यूज़ बस आती ही रहती थी। हर महीने सैकड़ों लोगों की इन सीरियल बम धमाकों में जान गई थी। और इसमें जो सबसे मुख्य जो मास्टरमाइंड जिसका नाम सामने आया था इनमें से ज़्यादातर बम धमाकों में, वो था इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी यासीन भटकल। तो हमारी भारतीय जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, सुरक्षा बल है, उनके द्वारा उस यासिन भटकल को पकड़ने के ऑपरेशन पर ही वाइल्ड डॉग ये फिल्म आधारित है। जैसे कि अर्जुन कपूर की भी इंडियाज़ मोस्ट वांटेड ये फिल्म आई थी, आपने देखा होगा। हालांकि अर्जुन कपूर को उसमें क्यों लिया गया था पता नहीं, शायद जो भी हो, चलिए जो कई सारे जो डिज़र्व करते हैं ऐसी अच्छी फिल्मों में काम करना, उन्हें तो अच्छी फिल्में मिलती नहीं हैं, पर पानीपत हो गई या इंडियाज़ मोस्ट वांटेड हो गई, ऐसे फिल्मों में अर्जुन कपूर को लिया जाता है। पता नहीं फिल्म ना चलिए चले इसलिए अर्जुन कपूर को लिया जाता है, या अर्जुन कपूर चल जाए इसलिए उनको ऐसी फिल्मों में लिया जाता है, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि बॉलीवुड की मंशा क्या होती है, उन क्या सोच कर वो ऐसी फिल्मों में अर्जुन कपूर को लेते हैं। तो चलिए, उस फिल्म का जो विषय था इंडियाज़ मोस्ट वांटेड का, वही उसी सेम विषय पर वाइल्ड डॉग ये फिल्म आधारित है। हालांकि इंडियाज़ मोस्ट वांटेड को मैं ख़राब तो नहीं कहूँगा, पर हाँ उससे ज़्यादा बेटर वे में वाइल्ड डॉग में कई सारी बातें दिखाई है। हालांकि इंडियाज़ मोस्ट वांटेड में एक बात जो ज़्यादा प्रखरता से दिखाई थी वो ये कि ये जो सीरियल बम धमाके हुए थे उसमें हमारे सिक्योरिटी एजेंसी, जो सुरक्षा बल हैं, उनकी कोई भी कमी नहीं थी। ऐसा सोचना भी पाप है। हमारे सुरक्षा बल उस समय इतने ज़्यादा एक प्रेशर था उनके ऊपर, ना उन्हें सही से फंड मिलते थे, ना किसी प्रकार की सुविधाएं मिलती थे, किसी भी प्रकार के काम करने में भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। जैसे कि ये बात मैंने आपको इसके पहले भी बताई हुई है, उस समय के गृह मंत्रालय के अधिकारी RVS मनी जी, इशरत जहां आतंकवादी नहीं है ऐसे पेपर पर उनसे साइन करने के लिए उन्हें कहा गया था कि भाई इशरत जहां आतंकवादी नहीं है, इस पर साइन कर दो। उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए सरकार, तो RVS मुनि जी ने मना कर दिया था। तो उन्हें सिगरेट से दागा जाता था, जलती हुई सिगरेट से उनको दागा जाता था, बहुत टॉर्चर किया था उन्हें भी और उनके परिवार को भी। उनके माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी इस कारण से। वो वीडियो भी मैं इसके पहले आपको कई बार दिखा चुका हूँ। और दोस्तों, ये बात केवल सिगरेट से दागने तक या फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर बहुत प्रेशर था, उन्हें फंड्स वगैरह नहीं मिलते थे, यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। कई सारे बम धमाकों के जो आरोपी थे, पाकिस्तानी आतंकवादी वो आरोपी थे, उन्हें छोड़कर उन बम धमाकों के आरोप हमारे देश के निर्दोष लोगों के ऊपर डाल दिए गए थे उस समय की सरकार के द्वारा। जैसे कि कर्नल पुरोहित जी, जिन्हें निर्दोष बरी कर दिया गया, साध्वी प्रज्ञा जी, 7-7, 8-8, 9-9 वर्षों तक उन्हें बहुत ही भयानक तरीके से टॉर्चर किया गया था जेल में। तो उनका ये पुस्तक भी है। मेरी तो बहुत अपेक्षा है कि कोई तो फिल्म इंडस्ट्री हो भारत में जो इस बुक पर, भगवा आतंक एक षड्यंत्र, RVS मनी जी की, कांग्रेस के ही समय के गृह मंत्रालय के अधिकारी RVS मनी जी ने ये पुस्तक लिखी है, कोई BJP RSS वगैरह नहीं। तो बहुत बहुत भयानक ऐसे चौंकाने वाले तथ्य इस पुस्तक में दिए गए हैं। कई सारे बड़े बड़े मंत्रियों के, पुलिस ऑफिसर्स के भी नाम, जिनके अभी हाल ही में कई नाम भी सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा, तो सबका बहुत बड़े बड़े खुलासे इसमें किए हुए हैं। तो उन्हें सिगरेट से दागा जाता था। तो सोच सकते हैं कि गृह मंत्रालय के कितने बड़े अधिकारी को इशरत जहां आतंकवादी नहीं है ये कहने के लिए अगर सिगरेट से दागा जाता हुआ, तो उस समय के हमारे जो सुरक्षा बल होंगे वे किस प्रेशर में, कैसे दबाव में वे काम करते होंगे, आप सोचिए ज़रा।
और इंडियाज़ मोस्ट वांटेड में ये दिखाया भी था कि फंड्स वगैरह ना मिलना, सुविधाएं ना मिलना, उन्हें किसी प्रकार की परमिशन ना मिलना किसी ऑपरेशन की, बहुत दबाव में सुरक्षा एजेंसीज थी। इस वजह से एक लगातार देश में 2006-07 से लेकर के 2013 तक ये बम धमाके होते जा रहे थे। मतलब ऐसी उस समय के हालात थे जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि उस समय की जो यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जैसे आतंकवादियों के लिए एक खुला प्लेग्राउंड छोड़ दिया था। अभी इशरत झा की बात निकली तो अभी आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ भी आई थी कि इशरत झा आतंकवादी ही थी, कोर्ट ने ये फैसला निर्णय सुनाया था। तो वैसे ये उस समय ही पता चल गया था जब इशरत झा का एनकाउंटर कर दिया गया था, तो उसके बाद ही पाकिस्तान के लश्कर के जो मुखपत्र था, लश्कर तैयबा का, उन्होंने अपने मुखपत्र में इशरत झा को मतलब क्या कहते हैं, शहीदी के लिए बहुत गुणगान गाया था लश्कर के मुखपत्र ने। तो ये तो तभी सामने आ गई थी सारी बातें, पर फिर भी तब भी हमारे देश की कई सारी सेक्युलर पार्टीज़ ने इशरत झा के लिए आंसू बहाए थे, एम्बुलेंस वगैरह चलवाई थी, लाख लाख रुपए जाकर दिए थे। तो ये उस समय देश के कुछ ऐसे हालात थे, और इसकी पूरी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। मैं बार बार इसके बारे में बता रहा हूँ, अगर ये पुस्तक आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, इसकी लिंक मैं आपको नीचे पिंड कमेंट में दे दूंगा। तो नागार्जुन अकिनेनी उनका वे इसमें इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, वाइल्ड डॉग उनका ही नाम है। उन्हें इसके पहले जिन भी ऑपरेशंस पर भेजा जा चुका होता है, तो वहाँ पर जो भी आतंकवादी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वे उनको इनकाउंटर कर देते हैं, इसी वजह से उनको वाइल्ड डॉग कहा जाता है। तो इतने सारे जो अभी सीरियल बम धमाके होने लगते हैं, पुणे की जो बेकरी में जो बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ से ही इस फिल्म की शुरुआत होती है। तो फिर इन सीरियल बम धमाकों के कारण वाइल्ड डॉग यानी जो विजय वर्मा का कैरेक्टर है नागार्जुन जी का, उनको वापस बुलाया जाता है, उनकी पूरी टीम को वापस बुलाया जाता है, और वे ही इस ऑपरेशन को लीड करते हैं। यासिन भटकल नाम नहीं दिया गया इस फिल्म में, खालिद भटकल उस आतंकवादी का नाम यहाँ पर दिया गया है, और उसको पकड़ कर लाने के पूरे ऑपरेशन पर ये फिल्म आधारित है। और ये फिल्म बिल्कुल ही टू द पॉइंट है, ज़्यादा कुछ भी कोई मेलोड्रामा, इमोशंस, फैमिली ड्रामा कुछ भी ज़्यादा फिल्म में उन्होंने नहीं दिखाया है। जो विजय वर्मा का कैरेक्टर है, उसका भी एक पर्सनल लॉस जो उन्होंने दिखाया है, एक आतंकवादी हमले में उनके साथ जो एक बहुत ही दुखद ऐसी घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उसको भी बस एक आध मिनट के अंदर ही उन्होंने उस सीन को कंप्लीट कर दिया है। वाइल्ड डॉग कुल मिलाकर 2 घंटे और 9 मिनट की फिल्म है, और इस फिल्म में उस समय की जो केंद्र सरकार की भूमिका थी, तो उनकी 2006-07 से लेकर के 2013 के बीच में उनकी भूमिका क्या थी, स्टैंड क्या था, ये दिखाने पर फिल्म में ज़्यादा कुछ उन्होंने फोकस नहीं किया है या उतना समय इस बात के लिए नहीं दिया है। फिर भी काफ़ी सारी बातें उन्होंने फिल्म में दिखाई है काफ़ी कम समय में, जैसे कि फिल्म में NIA को दिखाया है, यानी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्हें फंड्स मिलने में कैसे प्रॉब्लम्स आते थे, कैसे फंड्स नहीं दिए जाते थे, या कोई आतंकवादी कहाँ पर छुपा हुआ है ये पता होते हुए भी उन्हें ऑपरेशन की परमिशन नहीं मिलती थी, छुप कर उन्हें ऑपरेशन करना पड़ता था, सस्पेंड कर दिया जाता था, यानी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कैसे हाथ बांध कर रखे जाते थे उस समय, ये बात भी उन्होंने दिखाई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पोस्ट पर सरकार में उस समय कैसे एक स्लीपर सेल छुपा हुआ था जो पूरी जानकारी वहां पर दे रहा था आतंकवादियों को, तो ये सारी बातें उन्होंने फिल्म में दिखाई है जो मुझे पसंद आया। एक और बात मुझे जो इस फिल्म की बहुत पसंद आई वो ये कि आतंकवादियों और नक्सलियों, माओवादियों के बीच की जो एक साठगांठ है, कनेक्शन है, उसको इस फिल्म में उन्होंने खुलकर दिखाया है। और मेरे मत में ये मैंने ऐसी पहली भारतीय फिल्म देखी है जिसमें ये खुलकर ये बातें दिखाई गई हो कि आतंकवादी और माओवादियों की जो साठगांठ है, में जो एक कनेक्शन है उनका, उसे किसी फिल्म में दिखाया गया हो। ये मैंने तो भाई देखी हुई पहली फिल्म है। हालांकि नक्सलियों की जो भयानक सच्चाई है, उसे बुद्ध ने ट्रैफिक जैम में भी कुछ हद तक दिखाया था, पर वो एक स्मॉल बजट, लो बजट फिल्म थी। किसी बड़ी बिग बजट फिल्म में किसी बड़े एक्टर के साथ में माओवादियों की, नक्सलियों की सच्चाई दिखाई गई हो, उनके आतंकवादियों के साथ में कनेक्शन दिखाए गए हो, ये मेरे मत में वाइल्ड डॉग ये पहली फिल्म थी, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बातें दिखाई है। फिल्म के एंडिंग में नक्सलियों के 2 पूरे कैंप्स को वो शूट आउट में खत्म कर देते हैं। हालांकि भारत में नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाने वाली, नक्सलियों का महिमामंडन करने वाली, नक्सलियों का गुणगान करने वाली तो बहुत सारी फिल्में आ चुकी है, अभी भी हाल ही में भी आई है, खासतौर पर बॉलीवुड में ऐसी फिल्में कई सारी बनती है, दूसरी भी प्रादेशिक भाषाओं में फिल्में बनती है, हमने हाल ही में कुछ ऐसे ट्रेलर और फिल्म्स वगैरह भी देखी। तो ये अच्छी बात है कि चलो इक्का दुक्का फिल्म ही सही, पर नक्सलियों की जो भयानक
भयानक मानसिकता है, सच्चाई है, उसको कम से कम दिखाया तो जा रहा है। फिल्म में परफॉर्मेंस भी सबके बढ़िया थे, खासतौर पर नागार्जुन जी का परफॉर्मेंस तो बढ़िया था ही, इसमें कोई संशय नहीं। उनके अलावा संयमी खेर का परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया, हालांकि उन्हें और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम दिया जा सकता था, पर उनका परफॉर्मेंस फिल्म में बढ़िया था। तो अगर आपको एक्शन थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है, इसके अलावा 2006-07 से लेकर के 2013 के बीच में देश के हालात कैसे थे, इन सीरियल बम धमाकों के पीछे की सच्चाई क्या है, या हमारे जो सुरक्षा बल है उनकी जो त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये फिल्म आप देख सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल परफेक्ट फिल्म तो नहीं कहूँगा जो आपको कोई बिल्कुल ही एज ऑफ द सीट ऐसा एक्सपीरियंस देगी, उतनी परफेक्ट तो फिल्म नहीं थी, पर फिर भी एक बार तो आप इस फिल्म को बिल्कुल देख सकते हैं। मैं वाइल्ड डॉग को दूंगा 7 out of 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, कोई खास ऐसा वायलेंस भी फिल्म में नहीं था, पर 2-3 जगहों पर गाली दी गई है, वो भी वो मादर आप समझ जाइए, 2-3 जगहों पर वो गाली है स्पष्ट हमें सुनाई देती है, पर फिर पता नहीं मतलब उस गाली को उन्होंने म्यूट नहीं किया था। फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से, वो म्यूट करना भूल गए या क्या पता नहीं, पर आप देख सकते हैं अगर परिवार के साथ में देखना चाहते हैं। वैसे भी US सर्टिफिकेट मिला हुआ है, 1-2 जगह पर ही वो गालियाँ हैं, बाकी तो पूरी फिल्म ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था जो आप परिवार के साथ में बैठकर नहीं देख सकते हैं। तो आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।